हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक गोयल और आज मैं आपके लिए एक नया सवाल लेके आया हूँ। आपको इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना है और जो पिछले सवाल के जिन्होंने सही जवाब दिए थे उनके नाम मैंने यहाँ पे टैग किया हुआ है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही है, ये पंडित विष्णु दिगंबर पालुस्कार जी हैं जो एक फेमस हिंदुस्तानी म्यूजिशियन इनको माना जाता है। इन्होंने एक बहुत ही फेमस भजन गाया था, आपको उस भजन के बारे में आपको उस भजन का नाम बताना है तो कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है। इनके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। इन्होंने 1901 में गंधर्व महाविद्यालय, यस 1901 में इन्होंने गंधर्व महाविद्यालय भी फाउंड किया था, जो म्यूजिक के एरिया में, संगीत के एरिया में बहुत ही बड़ा महाविद्यालय या यूनिवर्सिटी जिनको माना जाता है। और थैंक्स टू पालुस्कार जी, इन्होंने ही म्यूजिशियन जो अपने सांस्कृतिक म्यूजिक था जो इंडिया का, इन्होंने उस म्यूजिक को घरानाज, जो घरानाज माना जाते थे संगीत घराना, उनसे निकाल के मासेज के लिए, मतलब लोगों में इतना इन्होंने प्रचलित कर दिया उस चीज़ को कि पहले लोग इस सांस्कृतिक म्यूजिक को लेके बहुत ही शर्म महसूस करते थे, बट इनके इन्होंने इस चीज़ को इतना प्रचलित कर दिया कि आज हर कोई इसको एक गर्व की तरह लेता है। तो जो आपको इसका यहाँ पे जवाब देना है, जो जिस भजन के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे, वो उस भजन के बारे में आपको हिंट दे देता हूँ। जब गांधी जी ने अपनी डांडी मार्च, जिनको साल्ट मार्च भी बोला जाता है, जब डांडी मार्च किया था गांधी जी ने, तो इस भजन माना जाता है कि इस भजन को गांधी जी ने बहुत गाया था। रास्ते में इस भजन का उच्चारण करते थे वो, और जो उनके पीछे लोग चल रहे थे वो भी गाते थे, तो उस वजह से भी ये भजन काफ़ी फेमस हुआ। और हाल के दिनों में काफ़ी टाइम बॉलीवुड ने भी इस भजन को एक नए नए तरीके से रिमिक्स बना के या कभी नए तरीके से पेश किया है। तो आपको बताना है कि मैं किस भजन की बात कर रहा हूँ, कौन सा फेमस भजन पंडित जी ने गाया था। तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने आंसर टाइप कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।